शुक्र है, माह रमज़ान के आते ही तमाम लोग खुशी से झूम उठे हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारे सामने मामलात हैं इसके कोरोना वायरस के, उसके मतलब वजह से बहुत से लोग कम नमाज में आ रहे हैं, लेकिन हम यही पैगाम देते हैं कि माह रमज़ान के अंदर जो है तरावी का अहतमाम किया जाए, नमाज़ें पढ़ी जाए, सफाई का अहतमाम किया जाए, एहतियाती तदाबीर को जो है मद्देनजर रखा जाए ताकि तमाम तरह की बीमारियों से बचा जा सके और अल्लाह की बंदगी भी हो सके। अगला शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुक़दस महीना अता फरमाया है। बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में जो है वो लोग रमज़ान शुरू होते ही मस्जिदों की तरफ रुख करते थे, मस्जिदों में पहुँचते थे, नमाज तरावी अदा करते थे पाँच वक्त नमाज़ों में। और आज जो लॉकडाउन की वजह से जो है आवाम को जो हदायत दी गई हैं कि वो मस्जिदों में आएँ तो अपना मास्क पहन कर आएँ और फासला जो है एक दूसरे के दरमियान जो है वो दूरी भी रखें, तदाबीर हैं उनका ख्याल रखते हुए जो है वो मस्जिद में जो है वो तशरीफ़ लाएँ। लेकिन जैसे पहले हुजूम हुआ करते थे वो अभी फ़िलहाल वो नहीं हैं, सिर्फ यही कोविड की वजह से जो है काफ़ी परेशान हाल हैं लोग इस वक्त। तो हम अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुकद्दस के सदक़े में इस बीमारी को हमारे मुल्क से, हमारे वतन से और हमारे इलाके से दूर दफ़ा फरमाए, इस बीमारी को ख़त्म फरमाए।